हेलो गाइस, मैं तौफीक खान आज आपको कुछ एक नई और यूनिक चीज बताने वाला हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में जब कभी कोई भी व्यक्ति, घर का कोई भी सदस्य बीमार होता है तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो भैया, डॉक्टर के पास जब आप लेके जाते हैं तो डॉक्टर जो है एक पर्चे पर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, दवाइयों का विवरण लिख के देते हैं। अब ये भी संभव नहीं है कि डॉक्टर्स जो दवा लिखते हैं उसे आप अच्छे से पढ़ सके, नहीं पढ़ सकते। वो शुरुआत का एक आध अक्षर, एक अक्षर समझ में आए या एक लेटर, उसके बाद वो एकदम घसीट के लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास समय भी कम होता है, बहुत ज़्यादा मरीज देखने होते हैं, तो वो बाकायदे अच्छे से ना लिखे, वो जल्दी जल्दी दवाइयाँ लिख देते हैं। और लिखने के बाद वो तो उस दवा को समझ रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ उस दवा के पर्चे को जब आप मेडिकल स्टोर पर लेके जाएंगे तो जो मेडिकल स्टोर पर केमिस्ट बैठा है वो उस हैंडराइटिंग को पढ़ लेता है, समझ लेता है। ठीक है, तो अब हमको जरूरत वो नहीं थी कि उसमें दवा क्या लिखी। भैया, डॉक्टर साहब ने हमको दवा लिख दी, लिखने के बाद अब मेडिकल स्टोर से ले आए। बात ये आती है कि उस पर्चे पर कुछ कोड, डॉक्टर साहब कुछ कोड लगाते हैं, डॉक्टर्स जितने भी होते हैं दवा के आगे कुछ कोड लगाते हैं। उन कोड का मतलब क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं कोड के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कोड क्या है, ताकि जब कभी हम मान लीजिए मेडिकल स्टोर या डॉक्टर से लेके आए तो कभी कभी होता है दिमाग से हमारे उतर जाता है, तो पर्चा उठाइए। पर्चा उठाने के बाद मेरे इस वीडियो से आप देख लीजिए उसके आगे क्या लिखा है, उसका मतलब वही होगा। ठीक है, तो देखिए, आप पर्चा जब भी देखते होंगे तो पर्चा जो भी डॉक्टर से लिखते हैं उनमें सबसे ऊपर टॉप में बाई ओर RX लिखा होता है, RX। अब बात आती है RX का मतलब क्या है, तो RX जो है एक लैटिन वर्ड है, जिसका फुल फॉर्म रेसिपियर है। रेसिपियर का मतलब होता है टू टेक, यानी लेना, ग्रहण करना। ठीक है, परंतु आज इसको मॉडिफाइड रूप में RX का मतलब होता है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो देखिए जैसा मैंने हेडिंग बना रखी है, डॉक्टर की दवा पर्ची पे लिखे कोड। ठीक है, अगर मान लीजिए डॉक्टर जो भी दवा लिख रहा है उस दवा के बाईं ओर, दाईं ओर या तो बाईं ओर कुछ शॉर्ट में कोड लिखे हैं, तो देखिए क्या है, अगर दवा के, दवा की ओर किसी भी तरफ यदि GTT लिखा हुआ है तो उसका मतलब ड्रॉप, अगर SUSP लिखा है तो उसका मतलब होता है सस्पेंशन, कुछ दवाइयों के दाहिनी ओर लिखा होगा OD तो OD का मतलब होता है दिन में आपको एक बार लेना है, BD अगर लिखा है तो दिन में दो बार लेना है, अगर TDS लिखा है तो दिन में आपको तीन बार लेना है, अगर उस दवा पर यदि SOS लिखा है कोड के रूप में, इसका मतलब होता है जब आपको जरूरत हो तभी उस दवा को लेना है, फिर अगर यदि BBF लिखा है तो आपको नाश्ते से पहले, सुबह नाश्ते से पहले वो दवा खानी, यानी खाली पेट आपको खानी होती है, अगर HS लिखा है तो HS का मतलब होता है रात को सोते समय आपको वो दवा लेनी होगी, क्यों लिखा है रोज, QID लिखा है तो इसका मतलब दिन में चार बार आपको दवा लेनी है, अगर स्टेट लिखा है STAT स्टेट, इसका मतलब अभी तुरंत तत्काल लीजिए, फिर अगर दवा के बाईं ओर लिखा है TBS का मतलब होता है टेबल स्पून, चम्मच से वो दवा को आपको ग्रहण करना है, SYS SYP अगर लिखा है तो इसका मतलब सिरप होता है, QOD लिखा है तो QOD का मतलब होता है दिन, एक दिन छोड़ के आपको दवा लेनी है, यदि दवा के दाई ओर कोड लिखा है QBT तो आपको रोज रात को वो दवा लेनी है, उसका मतलब ये है, QH हर घंटे, Q4H अगर लिखा है तो हर चार घंटे में आपको वो दवा लेनी है, अगर Q6H लिखा होता तो हर छह घंटे में आपको दवा लेनी होती। ठीक है, अगर लिखा है किसी दवा में QW तो इसका मतलब हर हफ्ते आपको लेनी है, हफ्ते में एक बार यानी। ठीक है, फिर यदि लिखा है QAM तो इसका मतलब रोज सुबह आपको लेना है, QPM तो इसका मतलब रोज शाम को आपको दवा ग्रहण करनी है, INJ इसका मतलब इंजेक्शन हो गया, कुछ दवाइयों के बाईं ओर लिखा होता है CAP इसका मतलब कैप्सूल, TAB इसका मतलब टैबलेट। तो ये कुछ शॉर्ट थे जो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताया, और भी बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं उसे भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।